हेलो हैप्पीनेस फैमिली, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो कृपया वो पहले देखें, उसकी लिंक नीचे दी गई है। जिन्होंने आज तक नशा नहीं लिया है या फिर पहले कभी नशा लिया है लेकिन उनके दोस्त उन्हें फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में या फिर बाहर की दुनिया में आपके दोस्त या फिर अन्य कोई लोग आपसे दोस्ती करके आपको नशा करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। तब आपने कैसे रिएक्ट करना है, तब आपने कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसे जवाब देना है, कैसे बोलना है, इसका आपने रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मैं उसे ना कहूँ, हाउ टू से नो। ऐसे फोर्स करने वाले लोग आपके आस पड़ोस में, आपके जीवन में कभी ना कभी आपको मिलेंगे ही, और उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए आपने क्या तैयारी की है ये डिसाइड करेगा आपको शिकार होने से बचने के लिए। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई दोस्त लोग आपको नशा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, नशा करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, उस समय आपके व्यवहार में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग दिखनी चाहिए, आपके आवाज़ में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अगर वो फोर्स कर रहा है तो आपका रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए। जितना आप डिले करोगे रिस्पॉन्स के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो व्यक्ति आपको प्रेशराइज करके आपके ऊपर हावी हो जाए या फिर आपका खुद का कंट्रोल ना रहे। रिस्पॉन्स करते समय, ना बोलते समय सीधा आई टू आई कॉन्टैक्ट करें। आपके वॉइस में फर्म एंड सिंसियर टोन होना चाहिए, ना मुझे नहीं लेना है। अगर फोर्स हो रहा है तो आप और ज़्यादा फर्मर टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मुझे नहीं लेना है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर और ज़्यादा फोर्स हो रहा है तो आप उसे बता सकते हैं कि नशे के वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुए हैं और आप अभी सोबर रहना चाहते हैं और यह आपका खुद का डिसीजन है। कोई भी दूसरे बहाने मत बनाइए, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ या फिर मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ मेरे खुद के निर्णय से, इसीलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ। सजेस्ट अल्टरनेटिव, चलो हम चाय पीने चलते हैं, चलो आज कॉफ़ी पीते हैं, चलो खेलने चलते हैं, विषय को वहाँ से बदलिए। इसके बावजूद भी अगर आपको फोर्स हो रहा है तो अपने फीलिंग्स को प्रकट कीजिए, वहाँ सिंसियरली कहिए कि देखो मुझे आपके फोर्स के वजह से गुस्सा आ रहा है कि मैं बोलने के बावजूद भी आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है उसके बावजूद भी आप मुझे प्रेशर दे रहे हो, ये कैसी दोस्ती है। अपने फीलिंग्स को प्रकट कीजिए। इसके बावजूद भी अगर प्रेशर दिया जा रहा है अलग अलग बहाने बनाकर, ज़्यादा वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, वहाँ से निकल जाइए। हमेशा इस चीज़ के लिए, इस संवाद के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। मन के मन में एक रोल प्ले करके देखिए कि अगर किसी ने ऐसा ऑफर किया, अगर किसी ने ऐसा प्रेशर किया तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा। हमेशा एसर्टिव रहिए, एसर्टिव स्किल्स सीखिए, अपनी बातों को, अपनी ज़रूरतों को कैसे प्रकट करना जिससे सामना वाला व्यक्ति हर्ट भी ना हो और आप अपनी बातों को अधिकारपूर्ण रूप से प्रकट भी करें। मेरे युवा दोस्तों, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, अपने खुद के प्रति ओवर कॉन्फिडेंट इस मामले में नहीं रहिए। अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं दोस्तों के पार्टी में तो जाऊंगा, वहां लोग नशा करेंगे, परंतु मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल है, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कंपनी दूंगा, नहीं,
इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, क्योंकि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत लोग नशे का शिकार हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा वहाँ जाने के बाद में ओके एक बार ट्राई करने से क्या प्रॉब्लम है, अगली बार मैं नहीं लूँगा, एक बार मज़ा लेने में क्या प्रॉब्लम है, बार बार थोड़ी लेते हैं। लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम नशे के चंगुल में ट्रैप होते हैं और ट्रैप होते जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहते हुए अगर मुझे पता है कि ये मेरे दोस्त नशा करते हैं या फिर इस पार्टी में ये लोग नशा करने वाले हैं, तो ऐसे पार्टी में मैं क्यों जाऊं, ऐसे दोस्तों को मैं क्यों मिलूं? अपने आप को सवाल पूछिए कि क्या मेरे पास प्रूफ है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पार्टी में, ऐसे दोस्तों के साथ मैं उन्होंने ऑफ़र करने के बाद में मैं नहीं लूँगा? क्या मुझे ऐसे भूतकाल में अनुभव है कि आप पहले क्या हुआ था, अगर किसी ने ऑफ़र किया था तो क्या मैंने उसे ऑफ़र को माना था? अपने आप को सवाल पूछिए, अवास्तव विश्वास अपने आप के ऊपर ना रखिए। मेरे युवा दोस्तों, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मानते हैं, टेंशन भरी है, मानते हैं, परंतु क्या इसका इलाज नशा है? अगर आप खुद को हेल्पलेस, असहाय महसूस कर रहे हो, निराश महसूस कर रहे हो, उदास महसूस कर रहे हो, चिंताएं हैं, बेचैनी है, तो क्या नशा ही उसका इलाज है? अपने आप को कुछ सवाल पूछिए। अगर मेरे जीवन का खराब दौर चल रहा है, मैं किसी क्राइसिस में हूँ, संकट में हूँ, क्या नशा करने से मेरा संकट दूर हो जाएगा, मेरी सारी चिंताएं मिट जाएगी? सवाल कीजिए। या फिर मेरे लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा तकलीफें हो जाएगी? सवाल कीजिए खुद से। भले ही नशे से मैं मेरा दुख कुछ समय के लिए भूल जाऊं, लेकिन ये कब तक टिकेगा? कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए? जब नशा उतरेगा तब क्या? खुद से पूछिए, नशे के अलावा मेरे पास क्या चीज़ें हैं जिससे मैं अपने टेंशन से रिलैक्स महसूस करूं, उससे बाहर आ जाऊं? मेरी हॉबी जो मुझे बहुत पसंद है, जहां मुझे बहुत मज़ा आता है, क्या मैं वो कर सकता हूं? क्या मैं एक ब्रेक लेके थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाऊं? क्या मैं मेरे फैमिली के साथ बात करूं, अपने भावनाओं को किसी के साथ प्रदर्शित करूं? सोचिए, नशे के सिवा बहुत अच्छे विकल्प है जो आपको एक रिलैक्सेशन दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं। इसके बारे में आप सोच सकते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, उल्टा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ताकत देगा। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, एक कल्पना करो कि एक पहाड़ी है और वहाँ ऐसे गोल गोल रास्ते हैं और आप एक मोड़ पर बाइक लेके जा रहे हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रही तो शायद उस मोड़ पर आप खुद को संभाल नहीं पाओगे और आगे के खाई में गिर जाओगे। अगर आपकी स्पीड कम रही तो शायद आपकी गाड़ी आपको संभाल नहीं पाएगी और शायद आगे जाने की वजह वो पीछे आएगी। दोस्तों, आपको गाड़ी सही गियर पर, सही तरीके से, सही स्पीड पर चलानी होगी, तभी आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आपके उम्र के साथ यही हो रहा है। आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हो, एक ऐसे मकाम पर हो जहां बहुत सारे हाई रिस्क डेंजर जोन है। अगर आप इससे संभल पाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इससे संभल नहीं पाए तो जीवन खाई में जाने वाला है। माता पिता और युवा, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि ये आपके जीवन का एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। माना इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपको समझदारी आपकी बढ़ गई है, घर का टेंशन है, आपको करियर करना है, स्कूल कॉलेज का टेंशन है, नौकरी पानी है, खुद के पैरों पर खड़े होना है, आत्मनिर्भर होना है, उसका टेंशन है, आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, आप क्या है, कौन है, इस सर्च में आप है। भले ही आप किसी भी टेंशन में हो, भले ही आप कितने भी आइडेंटिटी क्राइसिस में हो, मुझे विश्वास है
कि इस टेंशन से दूर होने के लिए आप अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके नशे का सहारा नहीं लेंगे। भले ही आप खुद को सर्च कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नशे का सहारा लेके आप अपनी झूठी आइडेंटिटी नहीं लेंगे। दोस्तों, आइडेंटिटी सही और गलत रास्ता इनमें डिफ्रेंशिएट कर सही रास्ता चुनकर उस पर हार्ड वर्क से, मेहनत से बनती है। मुझे विश्वास है कि आप सही रास्ता ज़रूर चुनोगे, क्योंकि आप जवान हैं, नादान नहीं।